जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बीएड फर्स्ट ईयर वालों ने अपना फर्स्ट पेपर दे दिया, यानी कि आज 26 अक्टूबर 2021 को फर्स्ट पेपर हो गया कंप्लीट फर्स्ट ईयर वालों का। तो आइए देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चंस क्या आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या था पेपर का फॉर्मेट। तो देखिए, सबसे पहले 3 घंटे का पेपर था, 80 मार्क्स के टोटल पेपर थे और इसमें सेक्शन ए में एक एक नंबर के सवाल पूछा गया था, जिसे 25 शब्दों में लगभग आंसर देना था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया था, बड़ा ही आसान सवाल था। पहला, जीवन में शिक्षा का क्या स्थान है। यह ऐसा क्वेश्चन है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने कर लिया होगा कि जीवन में शिक्षा का क्या स्थान है। दूसरा दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन आया था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अविद्या एंड विद्या, विद्या और अविद्या में अंतर स्पष्ट करना था। इस पार्ट ए का तीसरा सवाल था, शिक्षा दर्शन की अवधारणा तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। चौथा था दोस्तों, किसी कोई दो एम लिखना था, आदर्शवाद के कोई दो उद्देश्य लिखना था। और पांचवा था, मीनिंग ऑफ रियलिज्म, यानी कि यथार्थवाद का क्या अर्थ हुआ। और छठा दोस्तों, डिफाइन सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र की परिभाषा लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एनी टू प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम। एक्चुअल में यहाँ पे करिकुलम, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम था, कि प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन था, ये नहीं मेंशन था इसमें। बस ये था कि कोई दो प्रिंसिपल्स लिखने थे, तो प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन ही मेनली होगा, या फिर जो भी लिख देंगे इसमें सत्य होगा। नेक्स्ट था दोस्तों, डिफाइन कल्चर, कल्चर को परिभाषा लिखना था, कल्चर की परिभाषा देनी थी। और था दोस्तों, नेक्स्ट था, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि प्रजातांत्रिक मूल्य का क्या अर्थ है। और दूसरा है दोस्तों, आधुनिकरण की परिभाषा कीजिए। अब इसमें देखिए, क्वेश्चन जो भी था वो ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो बहुत समझने या याद करने वाली चीज़ थी। जीवन में शिक्षा का महत्व बिल्कुल आप सामान्य जानकारी से लिख सकते हैं, विद्या और अविद्या भी आप सामान्य जानकारी से लिख सकते हैं, और शिक्षा दर्शन की अवधारणा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एग्री। और आदर्शवाद के बारे में अगर थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो इसके उद्देश्य लिख देंगे, यथार्थवाद की मीनिंग और समाजशास्त्र के बारे में परिभाषा और पाठ्यक्रम के दो सिद्धांत, सांस्कृति की परिभाषा, प्रजातंत्र का अर्थ और आधुनिकरण की परिभाषा, बहुत सी जनरल चीज़ें फर्स्ट पार्ट ए में पूछी गई थी। अब शुरू करते हैं पार्ट बी के बारे में दोस्तों। देखिए पार्ट बी में जो दूसरा क्वेश्चन था, पहले तो 8 नंबर का सवाल था और 8 नंबर का सवाल लगभग 200 शब्दों में उत्तर देना था, ठीक है। तो जो दूसरा था, मतलब पार्ट बी का पहला और पूरे पेपर का दूसरा, वो था कि शिक्षा के दर्शन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द नीड ऑफ अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। बहुत ही जनरल सा सवाल, इसमें भी बिल्कुल जनरल सामान्य जानकारी की परीक्षा सवाल पूछी गई थी। इसी का अथवा जो था वो पूछा गया था कि शिक्षा एवं दर्शन के संबंध की विवेचना कीजिए, शिक्षा एवं दर्शन के संबंध की विवेचना, बात वही हो गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या था। तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों सेक्शन बी का, सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन पहली बार आया, मुझे लगता है लास्ट 6 सालों में ये क्वेश्चन पहली बार आया है, सत्यम एवं शिवम सुंदरम की व्याख्या करनी है। और नेक्स्ट था प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य, रिपीटेड क्वेश्चन प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य। उसके बाद महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण विधि, द मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। और इसमें अथवा था दोस्तों, आधुनिक शिक्षा पर वेदांत दर्शन का प्रभाव, वेदांत दर्शन का प्रभाव, सिंपल सी बात है। और नेक्स्ट था दोस्तों, क्वेश्चन आया था कि बौद्ध दर्शन और ईश्वर और आत्मा के विषय में क्या, मतलब बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा के विषय में क्या कहता है, तो ये था। और नेक्स्ट था इसमें, सामाजिक परिवर्तन के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका थी, समझ में आ गई दोस्तों। अब देखिए इसी में सेक्शन बी में जो लास्ट क्वेश्चन था वो था कि व्हाट इज द मेन एम्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, और भारतीय संस्कृति के विकास की विवेचना कीजिए, ठीक है। और दोस्तों सेक्शन सी में जो 4 प्रश्न आए थे वो 2 प्रश्न करने थे इसमें कोई, और 4 प्रश्न कौन कौन से थे। एक था शिक्षा के समाजशास्त्र की अवधारणा और शिक्षा, समाजशास्त्र और शिक्षा में संबंध। दूसरा था समाजीकरण की प्रक्रिया एवं परिवार की भूमिका। ये देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया में एक परिवार की क्या भूमिका होती, बहुत से आप 15 नंबर के जो 2 क्वेश्चंस करने थे मोस्टली बच्चों ने ये किया होगा। हाँ एक और चीज़ मैं बता दूं कि जिन बच्चों से मेरी बात हुई है, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर पेपर में एक क्वेश्चन छूट गया। ऑब्वियस ही बात है, इतना ज़्यादा पेपर और पहली बार बीएड में लिखना, अगर राइटिंग स्किल्स फास्ट नहीं है तो क्वेश्चन छूटना लाजिम है, मगर हाँ कोशिश करिए कि क्वेश्चन ना छूटे। तो ये जो समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका है, आसानी से इसको लिखा जा सकता है कि, और नेक्स्ट दोस्तों कि शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम के बीच संबंध और प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम एवं शिक्षण की विधियां। तो ये था टोटल, तो ये टोटल क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे देखता हूँ, मैं
हार्डली कहूँगा कि हाँ बहुत अच्छा पेपर फॉर्मेट था, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, मतलब बहुत मुश्किल से कहूँगा कि हाँ चलो ठीक ठाक पेपर था। बहुत जल्दीबाजी में पेपर को बना दिया गया। वजह क्या है? वजह देखिए, जो अथवा के जो प्रश्न थे, मान लीजिए इसमें फर्स्ट यूनिट में था कि शिक्षा और दर्शन, और इसके अथवा के जो प्रश्न थे वो भी शिक्षा और दर्शन से ही रिलेटेड थे। यानी कि जिस बंदे ने अगर किस्मत के भरोसे केवल शिक्षा और दर्शन के बारे में पढ़ा होगा उसको तो दोनों आ गया, और अगर किसी ने ये समझ के छोड़ दिया होगा कि चलो शिक्षा और दर्शन छोड़ देते हैं तो ये चीज़ें, तो उसके दोनों पेपर तो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे फर्स्ट यूनिट में और पढ़ना क्या होता है, लेकिन हाँ दोनों शिक्षा और दर्शन से सवाल थे। और थर्ड पेपर में देखिए दोस्तों, परियोजनवाद, सॉरी सेक्शन बी में परियोजनवाद, महात्मा गांधी शिक्षण विधि, और आधुनिक शिक्षा में वेदांत दर्शन का प्रभाव, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट इसी में सेक्शन सी में एक सवाल आया था प्रकृतिवाद, मतलब कहने का मतलब ये है कि यूनिट दो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की विधि, वेदांत दर्शन और प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे सेक्शन सी से, सेक्शन सी में और बी में यूनिट दो से, ठीक है, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे यूनिट दो से। एक पॉइंट देखिए ज़रा, इसमें एक और चीज़ देखने वाली बात है। यहाँ देखिए पार्ट ए से यहाँ पे एक सवाल आया, समाजशास्त्र की परिभाषा लिखिए, ठीक है, एक नंबर में यहाँ पे आया है दोस्तों सामाजिक परिवर्तन के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है। ये प्रश्न आठ नंबर में आया, यानी कि नौ नंबर समाजशास्त्र और सामाजिक से नौ नंबर के प्रश्न यहाँ आ गए। आप फिर से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक बार सेक्शन सी में दो प्रश्न आ गए थे कि शिक्षा के समाजशास्त्र की अवधारणा और समाजशास्त्र शिक्षा में का संबंध, और एक और सामाजिकरण की प्रक्रिया एवं परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब देखिए केवल समाजशास्त्र से टोटल 38 नंबर के क्वेश्चन आ गए थे, 39 नंबर के क्वेश्चन आ गए थे। 30 नंबर के दो प्रश्न तो समाजशास्त्र से ही आ गए थे, शिक्षा और समाजशास्त्र की अवधारणा और समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार की भूमिका, तो ये प्रश्न पूछे गए थे। इसीलिए थोड़े से जो हाईलाइटेड क्वेश्चन थे उसको इस बार नहीं टच किया गया था, जनरल क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये बात हो गई कि क्वेश्चन कैसा फॉर्मेट बना था, कैसे क्वेश्चन पेपर बना गया था। अब हाँ, अगले वीडियो में मैं अपने आप को रिव्यू करना चाहूँगा कि मैंने क्या क्या आपको बताया था और उसमें कुछ क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। हमारा और आपका, आप कितने दिनों से मेरे चैनल से जुड़े हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस क्वेश्चन पर मैंने बात करी थी और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं एक बार अपने चैनल का भी रिव्यू करूँगा, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन थे जो इस बार पेपर फर्स्ट में पूछे गए थे बीएड फर्स्ट ईयर को लेके। उम्मीद है दोस्तों आप सबका पेपर आसानी से गया होगा, अच्छा गया होगा। बिल्कुल देखिए, अगर आप लिख के आए हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, डोंट वरी, फेल की तो भी सोचना ही नहीं, आप फेल का बिल्कुल नहीं सोचना। बीएड में रेयरली कोई बच्चा जो बस जाके सो जाएगा ना, बस वही फेल होगा, तो डोंट वरी अबाउट द फेल। अच्छा पेपर गया है, बेस्ट ऑफ लक, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जैसा भी पेपर गया बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए, ओके दोस्तों। तो ये रहा पेपर फर्स्ट, उम्मीद करता हूँ कि सबका पेपर अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट पेपर। जय हिंद जय भारत दोस्तों। कमेंट में बताइए कि आपका पेपर कैसा गया। हाँ एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, कितने पेज लिखे थे, किसने कितना पेज लिखा, और हाँ झूठ नहीं बोला। और ये देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, 20 पेज से भी आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। इसमें वो बात नहीं है कि आप कितने पेज लिखे हैं, अगर 15 से एवब लिखे हैं इट्स ओके। अगर आप, मैटर करता है कि आपने मटेरियल उसमें लिखा क्या है, सो पेपर डजेंट मैटर हाँ। लेकिन नेक्स्ट पेपर में कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिख के आए, ओके। आप कमेंट बताइए कि कैसा रहा पेपर आपका, कितने पेजेस आपने टच किए, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। बाकी आगे बात करेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।